तो कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत वादियों के साथ, जहाँ एक बॉडी पानी में तैर के किनारे की तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ के निजी लोग देखते हैं कि उस शख्स की सांसें अभी भी चल रही है, तो वो उन्हें अपने साथ खुद के गांव लेके चले जाते हैं, जहाँ पर उस शख्स का इलाज किया जाता है जो कि जापनीज एंसेस्टर के तरीके से होता है। कुछ महीनों तक वो शख्स यूं ही कोमा में लेटा रहता है। एक रात उस गांव पर वहां के निजी गुंडों का हमला होता है और चारों ओर खून की नदियां बहने लगती है। सभी गांव निवासी अपने कुल देवता से विनती करते हैं कि हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमारे रक्षक को भेजो। अचानक बिजली चमकती है, आंधी और तूफान चारों ओर जगमगाने लगते हैं कि तभी वो शख्स को कई महीनों से जो सोया हुआ था अचानक आँख खुल जाती है। शख्स को मसीहा बनते देर नहीं लगती, एक एक करके सभी गुंडों का सफाया करता है एंड वो गांव वालों के लिए वरदान बन जाता है। सारे गांव वालों को तो बचा ही लेता है, लेकिन अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है और सबसे पूछता है, कौन हूँ मैं? जिन्हें वो बचाता है उनमें से ही एक बच्चा कहता है, आप चिंता ना करो, मैं बड़ा होकर पता लगाऊंगा कि आपकी पहचान क्या है। अब यहाँ से कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है। एक दौड़ भाग भरी जिंदगी जहाँ लोग आम दिनों की तरह ही आज भी मेट्रो में सवार थे, लेकिन उस मेट्रो में कुछ खास लोग भी थे जो किसी कारण से वहाँ थे। इस टीम में 7 लोग हैं, जिनमें 6 लेडीज एंड 1 मर्द है। मेट्रो आराम से चल रही होती है कि अचानक ब्रेक लगता है एंड सारे लोग घबरा जाते हैं और तभी पता चलता है कि मेट्रो हाईजैक हो चुकी है। मेट्रो में सवार एक पुलिस वाला लोगों को बचाने की कोशिश तो करता है, बट वो एक मर्द उस पर भारी पड़ जाता है। फिर वो मर्द गवर्नमेंट से कांटेक्ट करता है एंड कहता है, नेगोशिएशन की तैयारी करो, नहीं तो सभी सवारियों की जान जाएगी। नेगोशिएशन करने के लिए ऑफिसर नर्मदा का सिलेक्शन होता है। हाइजैकर मर्द कहता है, अगर अगले 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं बुलाओगे देन मैं सबकी जान ले लूँगा। ना चाहते हुए भी नर्मदा को मिनिस्टर को बुलाना पड़ता है। हाइजैकर मर्द 40,000 करोड़ रुपए की मांग करता है, लेकिन सरकार 40,000 करोड़ कैसे देगी? तो हाइजैकर मिनिस्टर से कहता है कि अगले 5 मिनट में एक बिजनेसमैन का कॉल आएगा एंड वो देगा 40,000 करोड़। हाइजैकर मेट्रो में सवार आलिया नाम की लड़की की तरफ बढ़ता है एंड देन ये पता चलता है कि वो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन काली की बेटी है। 40,000 करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं थे एंड वो इंस्टेंट हाइजैकर को पेमेंट कर देता है। अब मेट्रो में बैठी आलिया उस हाइजैकर को छोड़ कहती है, तो हाइजैकर भड़क उठता है एंड अपनी टीम में शामिल वन ऑफ द लेडी कल्कि की कहानी सुनाता है कि कैसे 40,000 रुपये के लिए उसके परिवार पर कितनी यातनाएँ दी गई। पिता किसान होते हैं जो कि खेती में हानि होने के कारण बैंक के कर्ज के तले दबे हुए होते हैं। चुकाने के लिए वो किसान कुछ भी कर सकता था, उसे अपनी बेटी कल्कि को भी पढ़ाना था और लोन भी चुकाना था और खेती भी करनी थी, लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। उसे पेपर पे लिखा हुआ दिखता है कि जिस किसान ने भी आत्महत्या की उसके घर वालों को 2,00,000 रुपये का मुआवजा मिलता है, तो उस चीज़ को देख के उसने भी सुसाइड कर लिया। ये कहानी सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेकर आलिया से कहता है कि तुम्हारे बाप के कारण लाखों किसानों ने आत्महत्या करी है। अब सारे मेट्रो सवार हाइजैकर के लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि वो 40,000 करोड़ उन सभी किसानों के बैंक में भेजा गया जो कर्ज तले दबे हुए थे। मेट्रो स्टेशन पर रुकता है, बट नर्मदा अपनी टीम के साथ हाइजैकर को पकड़ने के लिए तैयार रहती है। गोलियों की भरमार होती है, बट सारे लोगों के साथ हाइजैकर भी फरार हो ही जाते हैं। हाइजैक मिशन सक्सेसफुल होने के बाद ये पता चलता है कि वो 6 लेडीज जो थी ना किसी जेल की है एंड वो मर्द कोई और नहीं बल्कि उसी जेल का जेलर है। जेलर का नाम है आज़ाद। कहानी में आगे आज़ाद की निजी ज़िंदगी दिखती है, जहाँ उसकी शादी की बात चल रही है। उसे देखने उस लड़की की बेटी आती है। बाद में आज़ाद को ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नर्मदा की बेटी है। फिर भी दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शादी अभी नहीं होती है, अभी बस वो दोनों राजी होते हैं। आगे हम अगले सीन में देखते हैं कि इस बारी आज़ाद की टीम दूसरे मिशन पर निकल चुकी है। इस बारी वो हेल्थ मिनिस्टर के सीने पे गोली मारकर उसे उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ की व्यवस्था बेकार है। बट ऐसा इसलिए क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर उन अस्पतालों की ही तारीफ कर रहे थे। अगेन नेगोशिएशन करने के लिए नर्मदा कॉल पर आती है एंड इस बारी आज़ाद की डिमांड होती है कि सारे अस्पतालों में सारी सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाए अभी के अभी, वो भी 5 घंटे के अंदर। हेल्थ मिनिस्टर की जान बचाने के लिए सारे डिमांड पूरे किए जाते हैं। बट दूसरी तरफ आज़ाद की दूसरी डिमांड भी रेडी थी। इस बारी आज़ाद कहानी सुनाता है इरम की, जो कि उन 6 लेडी में से दूसरी लेडीज है। इरम पेशे से एक डॉक्टर थी एंड एक दिन बहुत सारे बच्चे बीमार थे जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए थे, बट वो उन्हें बचा नहीं पाई और सारा इल्ज़ाम इरम के सर पर ही डाल दिया गया था।
आज़ाद नर्मदा से कहता है कि असिस्टेंट मिनिस्टर को टीवी पे आगे पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बतानी होगी कि उस रात क्या हुआ था, एंड ये डिमांड भी पूरी की जाती है, एंड आज़ाद की टीम का सेकेंड मिशन भी सक्सेसफुल रहता है। अब आज़ाद और नर्मदा की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात ही आज़ाद नर्मदा को सच्चाई बताने वाला रहता है, पर उससे पहले ही नर्मदा को ये सारी बातें पता चल जाती है, एंड वो आज़ाद को कंधे पे सूट कर देती है। तभी काली के गुंडे वहाँ आ जाते हैं एंड दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। आज़ाद एंड नर्मदा को खूब टॉर्चर किया जाता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ये कोई और नहीं है बल्कि वही मसीहा है जो 30 साल पहले गांव वालों को बचाता है। मसीहा को आज़ाद के पास लाने वाला भी वही बच्चा है जिसने उससे वादा करा था। यहाँ आज़ाद को पता चलता है कि उसके पिता यानी विक्रम राठौड़ जिंदा है, बट याददाश्त खोए होने की वजह से विक्रम आज़ाद को बचाता तो है बट बेटे वाली फील नहीं दे पाता। अब फ्लैशबैक में हमें विक्रम राठौड़ यानी आज़ाद के पिता की स्टोरी पता लगती है, जहाँ जवानी में वो एक आर्मी सोल्जर थे। एक मिशन पर कई जवान मारे गए थे जिसकी वजह काली की कंपनी के द्वारा बनाए गए खराब बंदूक थे। विक्रम काली के कंपनी पर क्लेम लगाता है एंड निजी दुश्मनी मोल लेता है। काली बदला लेने के लिए विक्रम को मारता है लेकिन वो मरता नहीं, लेकिन काली को लगता है कि विक्रम मर चुका है। उसकी पत्नी ऐश्वर्या को जेल भिजवाता है, जहाँ जेल में ही ऐश्वर्या आज़ाद को जन्म देती है एंड आज़ाद के 5 साल पूरे होते ही ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है। अब कहानी अगेन डिसेंट टाइमलाइन में आ जाती है एंड इस बारी आज़ाद का अगला मिशन होता है काली के रसिया से आए हुए पैसों को चुराना एंड अपने ही जेल को हाईजैक करना। इतना कुछ जानने के बाद नर्मदा भी आज़ाद की टीम में शामिल हो जाती है। आज़ाद नर्मदा एंड अपने टीम मेंबर के साथ काली के ट्रक को लूटने निकल पड़ता है एंड अगेन एक घमासान एक्शन मोमेंट देखने को मिलता है। बीच में विक्रम राठौर की भी एंट्री होती है जिसकी मदद से आज़ाद आसानी से सारे पैसे भरे ट्रक लेकर फरार हो जाता है एंड सीधे जेल पहुंच जाता है। इधर विक्रम राठौर अपने ओल्ड गैंग के साथ पकड़ा जाता है जिसे काली अपने अड्डे पर ले जाता है। उधर आज़ाद का फाइनल मिशन स्टार्ट हो चुका है, जहां इस बार उसकी टीम ने पूरे जेल को हाईजैक कर रखा है। सिंस नर्मदा भी अब आज़ाद के साथ है, सो इस बार नेगोशिएटर मिस्टर माधवान नायक होते हैं। आज़ाद माधवान को एक डील पेपर भेजता है जिस पर उसे हेड ऑफ स्टेट का साइन चाहिए। इस पेपर में 53 फैक्ट्रियों को बंद करने की मांग थी, जिन फैक्ट्रियों की वजह से 40,000 लोगों की जान जा चुकी थी ऑलरेडी। सरकार से साइन करवाने के लिए जेल हाईजैक सफिशियंट नहीं था, ये बात आज़ाद को भी पता थी, सो उसने चुनाव के लिए जा रहे सारे वोटिंग मशीन को ही चुरा डाला था। अब समय पर चुनाव करवाना भी जरूरी है एंड 90 लाख मशीन इतनी जल्दी बन नहीं सकती, सो फाइनली गवर्नमेंट को डील पेपर पर साइन करना पड़ता है एंड सारे फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है। तभी आज़ाद अपनी रियल आइडेंटिटी लोगों के सामने दिखाता है एंड ये समझाता है कि मानवता के लिए जियो, अपने हक के लिए लड़ो, सरकार से सवाल पूछो, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। इधर तो आज़ाद जीत गया लेकिन जेल के पिछले दरवाजे से काली विक्रम के साथ अंदर घुस जाता है। अगेन दमदार फाइट सिक्वल होता है। आज़ाद एंड विक्रम मिलकर काली के गुंडों की अच्छी से धुनाई करते हैं। जब काली विक्रम को शूट कर रहा होता है देन बैक स्टोरी अगेन रिवाइंड करती है कि बंदूक खराब हो गया है। बंदूक खराब होने की वजह से काली शूट नहीं कर पाता एंड विक्रम की याददाश्त वापस आ जाती है। अब याददाश्त वापस आ गई है तो आप समझ सकते हो आगे क्या होने वाला है। बाप और बेटा, बाप ने डायलॉग मारा, बेटे को छूने से पहले बाप से बात कर। फाइनली वे काली को भी उसी तरह फांसी पर लटकाते हैं जैसे बेगुनाह आज़ाद की माँ के साथ हुआ था। काली की मौत होती है एंड जवान पार्ट वन का यहीं पे एंडिंग होता है। पार्ट वन का एंडिंग इसलिए होता है क्योंकि पार्ट टू भी आनी है, और अगर आपको पार्ट टू की स्टोरी समझनी है तो मैं स्पेकुलेशन लगा के आपको पार्ट टू की भी कहानी बता सकता हूँ। अगर आपको ये कहानी चाहिए देन आपको बस क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में आपको बोलना है कि हमें पार्ट टू चाहिए।